हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास सैमसंग का AKS मॉडल आया है, जो ये दिक्कत में दे रहा है कि ये हार रीसेट और रीसेट कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखिए, यहाँ पे हम जब लगाते हैं ना, यहाँ पे इसकी सैमसंग की आईडी लगी हुई है, इसकी वजह से ये रीसेट नहीं होगा। वो बोल रहा है कि वाईफाई कनेक्ट करो। चलिए हम वाईफाई भी कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आती है कि फ़ोन फैक्ट्री रीसेट भी नहीं होता बिना सैमसंग अकाउंट के। ये देखिए, मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। चलिए हम दोबारा रीसेट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जब मैं रीसेट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे सैमसंग अकाउंट बोलने लग जाता है कि ये रीसेट नहीं होगा। चलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि ये रीसेट भी हो जाएगा और आपको प्ले स्टोर की या सैमसंग की अकाउंट आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप अबाउट फ़ोन में आइए। यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे बिल्ड नंबर लगा होगा, इसे हमने 7 बार प्रेस करना है। डिफ़ॉल्ट पर मोड ऑन हो जाएगा इसका। हमें बैक आना है। यहाँ हमें सॉरी, हाँ ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो चुकी है। यहाँ हमें OEM अनलॉकिंग इसे ऑन कर देना है और एक USB भी ऑन कर लेनी है। अब हमें इसे छोड़ देना है, बैक कर लेना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। सिंपली वॉल्यूम अप और पावर को हमने प्रेस करके रखना है। जब फ़ोन ऑन हो जाए, हमें पावर छोड़ देना है और वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखना है। अगर हमारा ऐसे डाउनलोडिंग मोड में जाता है फ़ोन तो ठीक है, नहीं तो हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, हमारा डाउनलोडिंग मोड में नहीं गया, अब हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सिंपली से कनेक्ट करना है लैपटॉप से और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, कंप्यूटर में इसके ड्राइवर ऑन होने शुरू हो चुके हैं। देखिए, हमें इसे स्विच ऑफ कर देना है। अब वही मेथड हमें दोबारा करना है। पावर बटन ये देख लिए, यहाँ पे पहले चार्जिंग शो हो जाए फिर ही आप इसे करिए। ये देखिए, चार्जिंग का लोगो आ रहा है। वॉल्यूम अप और पावर को प्रेस करके रखना है। अब पावर को छोड़ देना और वॉल्यूम आपको प्रेस करके रखना है। ये देखिए, हमारा सिंपली डाउनलोडिंग मोड में, दूसरा रिकवरी मोड में चला गया है। सॉरी, यहाँ पे हमने फैक्ट्री रीसेट पे आना। ये देखिए, हमारा डाटा वाइप हो चुका है। हमने इसका वाइप कैच भी डाउन क्लियर कर देना और रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना। अब हमारा फ़ोन नॉर्मल ऑन होगा। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कि दोस्तों, हमें अब लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे साइड पे कर देंगे। हमें सिंपली फोन ऑन होने की वेट कर।
ये देखिए दोस्तों, हमारा सिंपली फ़ोन ऑन हो चुका है। अभी हम इसे नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। हमारे कोई भी आईडी वगैरह नहीं मांगेगा, ना सैमसंग अकाउंट मांगेगा, ना ही प्ले स्टोर का अकाउंट मांगेगा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, सैमसंग अकाउंट क्लियर हो चुका है। ऐसे ही आपको किसी भी फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, सैमसंग अकाउंट शो कर रहा है, रीसेट नहीं हो रहा, तो आप इसी मेथड से अपना सैमसंग अकाउंट क्लियर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपली सैमसंग अकाउंट क्लियर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक, शेयर एंड कमेंट।